नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज। भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम विरायमपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। थाना भोगांव के ब्रायमपुर सतगरा में आज सुबह 9 बजे खेत पर आलू खुदाई करते वक्त आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें अमित कुमार पुत्र भूरेलाल, संदीप कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह, रामविलास पुत्र कालीचरण, पप्पू पुत्र मलखान सिंह घायल हो गए, जिनका इलाज प्राथमिक चिकित्सालय भोगांव में चल रहा है, जिनमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय मैनपुरी रेफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। नाम तुम्हारा? रघुवीर। रघुवीर, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? आलू खोद, सुबह पानी वैसे मौसम साफ है वो, तो हमने चलो आलू ही खोदे हैं, जो वहाँ कोठरी आती 3 पड़ी थी, उसके बाद खड़े हो गई, जहाँ एक संगी बिजली गिर गई, ऊपर जानी नहीं भाई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए उसमें? हम लोग थे 7-8 आदमी थे। 4 लोग घायल हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। अच्छा, क्या हुआ आज, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? यार बारिश हो रही थी, फिर बारिश होने के बंद हो गई, फिर हम आलू भरने के लिए गए खेत से, हादसा हो गया, पता न लगा क्या हुआ। क्या हादसा हुआ? बिजली एक बार आई है, पता नहीं लगा, उसके बाद बेहोश हो गए। बिजली गिरी थी। नाम आपका? देवेंद्र सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई आज यहाँ पर? आज यहाँ पर आलू खोदने आए थे ये वाले 4-6 लोग, यहाँ बैठे थे, जब पानी बरसने लगा तो इसी टीन में आके बैठ गए यहाँ पे, तो बिजली एकदम गड़गड़ाहट हुई, तो एकदम अंधेरा सा छा गया, और 4 लोग उसमें घायल हो गए, 2 लोग जो इधर खड़े थे वो बच गए, तो उन्होंने जाके गांव में एकदम खबर दी भाग के, हम सब लोग आए, उन्हें बचाया, देखा, फिर ले गए अस्पताल, जिला अस्पताल वो पर इलाज के लिए, तो 2 लोग यहाँ भोगांव एडमिट हैं और 2 लोग जिला अस्पताल में एडमिट हैं। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ मौके पर आया? SDM साहब आए थे, SDM भोगांव, और तहसीलदार का फ़ोन आया था शायद उनके पास उस समय, SDM साहब तो यहीं खड़े रहे।